हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। विनायक इंटरमीडिएट कॉलेज खजराट अयोध्या ई ट्यूटोरियल के माध्यम से आपका स्वागत करता है। मैं मायाराम यादव। आज हम समाज विज्ञान विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र अध्याय 3 कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चों देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। पहली शक्तियाँ है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। दूसरी है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्त करता है तथा उसके विभागों का बंटवारा करता है। अगला है, राष्ट्रपति राज्यपालों, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्त करता है। अगला बिंदु है, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्त करता है। इसके बाद है बच्चों, कानून बनाने में भूमिका। संसद का अंग होने के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। संसद के दोनों सदनों में पारित हो भी जाए, फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, विधेयक में बदलाव के सुझाव दे सकता है और एक बार विधेयक वापस लौटा सकता है। पर यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझावों के बिना अथवा सुझावों सहित पारित कर देते हैं तो दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। आगे बच्चों, क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को मृत्युदंड, अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित एवं परिवर्तित कर सकता है। बच्चों आज बस इतना ही। कल हम उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।